हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो है आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक नंबर्स, जिसकी फिफ्थ यूनिट एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 5B सॉल्व करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गो टू द प्लेलिस्ट, ताकि आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस और यूनिट्स एंड टॉपिक्स के सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इसकी एक्सरसाइज 5B के की पॉइंट्स। तो सबसे पहला इसका की पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्हेन वी राइट लार्ज नंबर्स एज a इंटू 10^n, वेयर n इज एन इंटीजर एंड a इज लेस देन 10 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर ये एक कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है से 14 और उसके बाद 4 0, तो अब इसको हमको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द बैक 1 2 3 4 5, और पहली वाली डिजिट को हम छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट जो इसकी रहेगी सबसे आगे से फ्रॉम द लेफ्ट, वी लीव दैट एंड काउंट फ्रॉम द बैक 1 2 3 4 5। तो यहां हम लिख सकते हैं 10^5, और जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं अदर देन 0, इसको हम लिख सकते हैं 1.4। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए 1 2 3 4 5 6, इसको आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट छोड़ के फ्रॉम द लेफ्ट वील काउंट फ्रॉम द बैक 1 2 3 4 5 एंड वील राइट हियर 10^5 मल्टीप्लीकेशन में, और बाकी के डिजिट्स को हम छोड़ सकते हैं एंड वी कैन राइट 1.23। ओके, ओनली द टू डिजिट्स आर रिटन, अदरवाइज आप चाहें तो बाकी की डिजिट्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट इज 4 3 5। सो सिमिलरली एज वी हैव सॉल्व दिस एग्जाम्पल, उसी तरीके से हम करेंगे यहां पर, वी लीव दिस फर्स्ट फ्रॉम द LHS साइड एंड काउंट फ्रॉम द बैक 1 2। सो हम इसको लिख सकते हैं 4.35 इंटू 10^2। सिमिलरली 7 8 6 0, इसको हम कैसे लिखेंगे, विल लीव दिस एंड काउंट फ्रॉम द बैक 1 2 एंड 3। सो यहां पर हम लिख सकते हैं 7.86, 0 लिखना जरूरी नहीं होता है, इंटू 10^3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 1 7 6 4 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.76, आप चाहें तो इसको इतना ही लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी डिजिट्स लिख के इंटू 10^1 2 3 4। सो वील राइट 10^4। नेक्स्ट इज 6 7 8 3 5 0, वील काउंट फ्रॉम द बैक 1 2 3 4 5 एंड वी कैन राइट दिस एज 6.7 8 3 5 इंटू 10^5। ओके, 0 हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज 8 9 00 00 एंड 0। सो यहां पर हमारे पास 5 times 0 है, फिर 9 है, मतलब 6 डिजिट है 8 के बाद। सो वी कैन राइट 8.9 इंटू 10^6। नेक्स्ट 1 6 5 0 0 00 00, मतलब 3 3 के 2 सेट हैं। सो यहां पर हम लिख सकते हैं ये 1.65 इंटू 10^1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 डिजिट आफ्टर द फर्स्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट, ये आपको वैल्यू दी गई है केजी में, व्हाइल द मास ऑफ द सन इज अबाउट, ये आपको दिया गया है केजी में, एक्सप्रेस देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सो मास ऑफ द
अर्थ इज इक्वल टू, हम पहले आगे की डिजिट्स लिख देते हैं 5.98. नाउ वील काउंट फ्रॉम द बैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So it is 10 to the power 24 kg. Next, आपको लिखना है मास ऑफ द सन. सो अगेन वील राइट 1.989 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. So this is the mass of the sun. So here you can see the mass of the earth and the mass of the sun कितने ज्यादा heavy है, kg में भी, वो भी 10 की power में. खैर, starting with the next question number 3, the area of the earth is approximately 3290000 kilometers square. Express it in the standard form. So area of India हम लिख सकते हैं as 3.29 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilometer square. तो आपकी यूनिट एज इट इज हम लिखेंगे, बस ये जो डिजिट्स होती हैं इनको हम रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5100000 किलोमीटर स्क्वायर. एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10 टू दी पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर स्क्वायर. हेंस दिस इज दी सोल्यूशन. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.